तो हम तो लगातार इन बातों को उठाते हैं, कई घटना स्थलों पर हम खुद स्वयं गए हैं, अधिकारियों से भी बात किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो हम तो शुरू दिन से कहते रहे हैं कि इन लोगों से जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कि 2005 के पहले सीएम आवास से आरक्षण दिया जाता था अपराधियों को, बेकार की बात है, कहानी क्या है, सबूत क्या है, ये सब खाली इधर का उधर इधर का। अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग करो ना न्याय, क्यों नहीं आप जो है बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं? अभी कहाँ बैठे हुए अपराधी, कई ऐसे ऐसे। नमस्कार, हिंदुस्तान टाइम्स 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम समझाते। सो यादव ने बिहार में हो रहे अपराध को लेकर फेसबुक पर अपराधियों का आंकड़ा जारी किया है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, इसमें सरकार दोषी है। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनसे कोई मिलने भी नहीं जाता है। हम तो लगातार इस बात को उठाते रहते हैं, हम तो शुरू से मिलने जाते हैं इन लोगों से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को कंट्रोल किया जाता था लालू के राज में। इसको लेकर तेजस्वी ने कहा कि बेकार की बात है, ये सब कहानी है, सबूत क्या है, यह सब सिर्फ इधर से उधर करते रहना है, यह लोग सत्ता में बैठे हैं। आगे सुनिए क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव। कानून व्यवस्था को लेकर हम तो बुलेटिन हमेशा जारी करते हैं, तो आप देखे होंगे कहाँ कहाँ घटना हुई है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और इसमें सरकार जो है कहीं कोई संज्ञान नहीं लेती है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं कोई जाता भी नहीं है। तो हम तो लगातार इन बातों को उठाते हैं, कई घटना स्थलों पर हम खुद स्वयं गए हैं, अधिकारियों से भी बात किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो हम तो शुरू दिन से कहते रहे हैं कि इन लोगों से जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन 2005 के पहले सीएम आवास से आरक्षण दिया जाता था अपराधियों को, बेकार की बात है, कहानी क्या है, सबूत क्या है, ये सब खाली इधर का उधर इधर का। अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग करो ना न्याय, क्यों नहीं आप जो है बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं? अभी कहाँ बैठे हुए अपराधी, कई ऐसे ऐसे अपराधी हैं कि भाजपा नेता या इनके साथ बैठे हुए लोग हैं। कई बार तो हम लोगों ने फोटो भी सार्वजनिक किया है, ये बालिका गृह वाले कौन थे भाई, सृजन घोटाले वाले कौन लोग थे, किनके साथ बैठ के मौज मस्ती करते थे, क्या होता था, कितने अपराधी जो है सीएम हाउस में बैठे हैं जिसका तस्वीर हमने जारी किया था। तो ये सब बेकार की बातें हैं, उनको कुछ बोलने को है क्या? खैर जो भी बात है, लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति है भयावह हो चुकी है। बैठक है हम लोगों का, पार्टी का बैठक ही तो चलता रहे। अच्छी बात। तो सुना अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम हो रहा है, अभी कहां बैठे हैं अपराधी? बहुत अपराधी हैं जो भाजपा नेता और उनके साथ बैठे हुए लोग हैं। कई बार हम लोगों ने फोटो भी दिखाने का काम किया है, बालिका गृह कांड वाले कौन थे, किसके साथ बैठकर मौज मस्ती करते थे, क्या होता था, कितने अपराधी हैं जो सीएम हाउस में बैठे हैं, उसका तस्वीर हमने जारी किया है। यह सब बेकार की बातें हैं, उनको बोलने के लिए बचा ही क्या है। लेकिन अब वर्तमान में जो स्थिति भयावह हो चुकी है और पार्टी की बैठक पर कहा कि हमारी बैठक है, बैठक तो हमेशा पार्टी में चलते रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स 24 पर। धन्यवाद।